हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो नदी का डेल्टा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो देखिए जलीय भूआकारिकी है, यानी कि जो नदी वगैरह के द्वारा बनने वाले अलग अलग जो आकार होते हैं, तो उसके विषय में ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं नदी डेल्टा क्या है। देखिए, इन जनरल समझ लेते हैं कि अब देखिए, सपोज मान लीजिए यहाँ पर ये समुद्र का बॉर्डर है, यानी इसके आगे ये सब समुद्र फैला हुआ है यहाँ पर। और मान लीजिए यहाँ से एक रिवर ये फ्लो होती हुई समुद्र में मिलती है इस तरह से। तो देखिए, हम लोगों ने देखा है कि जब रिवर समुद्र में आके मिलती है तो उसका ढाल कमज़ोर हो चुका होता है और उसके पास भार काफ़ी कुछ ज़्यादा होता है। तो ऐसे में नदी का जो एक तरह से भार है वो बढ़ चुका होता है, नदी का जो वेग है वो कम हो चुका होता है। तो अब ये जो सब अपने साथ नदी अब छेप ला रही है, एक तरह से कह लीजिए मलबा कंकड़ पत्थर ला रही है, इसको नदी आगे नहीं ले जाएगी, बल्कि यहाँ पर जो सागर है यहीं पर ये जमा करने लगेगी। तो इस तरह से ये नदी धीरे धीरे इन चीज़ों को यहाँ पे सागर की तली में जमा करने लगेगी। और जब ये देखिए सारी चीज़ें जो भी अपने साथ ये कंकड़ पत्थर लाई है, रेत के कण लाई है, उन सब चीज़ों को जब ये यहाँ पे जमा कर देगी, तो इस तरह से एक कह लीजिए त्रिभुज जैसा बन जाएगा, जिसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो इस तरह से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। एक बार फिर से बता देता हूँ सिंपली। देखिए, एक रिवर है जो बहती हुई आती है और समुद्र में मिलती है। अब जो रिवर है इसके पास कंकड़ पत्थर हैं, रेत के कण हैं, कई छोटे छोटे कण वाले पदार्थ हैं। तो इस तरह से कई एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी अवक्षेप है इसके पास, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से निक्षेप पदार्थ है इसके पास। तो इन पदार्थों को ये अपने साथ लाएगी, और क्योंकि रिवर का जो वेग है वो कम हो चुका है, रिवर की एक तरह से जो वेलोसिटी है वो कम हो चुकी है, तो इसको अब ये और आगे समुद्र में नहीं ले जा पाएगी, बल्कि समुद्र के किनारों पे यहीं पे निक्षेप करने लगेगी, धीरे धीरे ऐसे आगे तक जमा करने लगेगी, और इस तरह से एक डेल्टा का निर्माण हो जाएगा। अच्छा, देखिए यहाँ पर एक बात और समझना है कि देखिए, जब ये डेल्टा बन जाता है तो क्या होगा, अब ये डेल्टा जो है रिवर के रास्ते में एक तरह से अवरोध उत्पन्न करेगा। एक तरह से क्या होगा कि एक बाधा उत्पन्न करेगा, रिवर को आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। तो रिवर जो है कई शाखाओं में इस तरह से बट जाएगी। तो यहाँ पे डेल्टा में क्या हमें दिखाई देगा कि रिवर जो है कई शाखाओं में बटी हुई दिखाई देगी। अब देखिए, ये देखते हैं हम लोग कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो डेल्टा के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी हैं, यानी कि डेल्टा फॉर्मेशन होना है, अगर डेल्टा का निर्माण होना है तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो पूरी होना चाहिए। अगर वो पूरी नहीं हो रही है तो फिर डेल्टा का निर्माण नहीं होगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि देखिए, ये जो हमारी रिवर है इसका आकार बड़ा हो, इसका आयतन ज़्यादा हो, जिससे कि इसके साथ जो पदार्थ आ रहे हैं, जो इसके साथ कह लीजिए कि कंकड़ पत्थर आ रहे हैं, अन्य कण आ रहे हैं, ये सब ज़्यादा मात्रा में आ सकें। क्योंकि अगर देखिए ज़्यादा मात्रा में नहीं आएंगे तो फिर ये सागर की तली में जमा नहीं हो पाएंगे और ऊपर तक जमा नहीं हो पाएंगे, यानी कि जो सागर की जो गहराई है वहाँ से लेकर ऊपर तक ये जमा नहीं हो पाएंगे और फिर डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही देखिए, जो कंकड़ पत्थर वगैरह आ रहे हैं उनका आकार भी मैटर करता है। यानी कि अब सपोज़ नदी अपने साथ जो कंकड़ पत्थर लाई है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों के रूप में, यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं बालू वगैरह के कण होते हैं उस रूप में मान लीजिए हैं, या बहुत ही छोटे कण हैं। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए ये जो कण हैं वो समुद्र के नीचे तो डूबेंगे नहीं, समुद्र के ऊपर ही तैरते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि रिवर जो है कुछ वेग से समुद्र में आके मिल रही है, तो रिवर जो है समुद्र में आके तक जाएगी। तो रिवर के जो पानी है, यानी कि रिवर का जो जल है, उसके साथ ही ये कंकड़ पत्थर भी जो, या फिर कह लीजिए ये वाले जो छोटे छोटे कण हैं, ये भी बहुत दूर तक निकल जाएंगे। तो ऐसे में डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्या प्रॉब्लम्स हुई? पहली तो प्रॉब्लम यह हुई, क्योंकि ये कण बहुत छोटे हैं इसलिए समुद्र के पानी के ऊपर ही तैरते रहे, नीचे नहीं जा पाए, क्योंकि कोई चीज़ भारी होगी तभी वो डूबेगी और तभी समुद्र की तली में जाएगी और तभी समुद्र की तली भरेगी और डेल्टा का फॉर्मेशन होगा। लेकिन क्योंकि ये हल्के हैं तो इसलिए ये समुद्र के ऊपर ही तैरते रहे। दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो हमारे कण हैं ये नदी के साथ दूर तक निकल गए, यानी कि सपोज समुद्र तो बहुत दूर तक फैला है, तो ये कण क्या है कि समुद्र में बहुत दूरी तक निकल गए, यानी मान लीजिए यहाँ तक आ गए। तो ऐसे में एक तरह से कह लीजिए डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ये कण बहुत दूर तक निकल आए हैं। अगर ये तल पर ही आके जमा होते तो डेल्टा का फॉर्मेशन होना आसान हो जाता। अच्छा देखिए, इसी के साथ एक और जो चीज़ मैटर करती है वो है रिवर का वेग, यानी कि रिवर की वेलोसिटी क्या है। अगर सपोज़ रिवर में जो पानी है वो बहुत ही तेज़ी से बह रहा है तो क्या होगा, ये समुद्र में बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिलेगा और जब तेज़ी से मिलेगा तो ये बहता हुआ आगे निकल जाएगा। जब ये पानी जो है सपोज़ यहाँ से पानी बहता हुआ आया और इस तरह से आगे निकल जाएगा, तो क्या होगा कि इसके साथ जो कंकड़ पत्थर वगैरह आए हैं वो भी आगे निकल जाएंगे,
और आगे होगा समुद्र गहरा, सपोज़ यहाँ तक आ गया है और यहाँ पे समुद्र होगा बहुत ज़्यादा गहरा, तो सागर की जो तली है उसको ये कभी भी भर नहीं पाएंगे, यानी कि जो सागर की तली है उसमें ये कंकड़ पत्थर जाके इकट्ठे तो होंगे लेकिन उसको भर नहीं पाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा, डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाएगा। और वहीं पर अगर देखिए रिवर का वेग कम होता तो ये सब कहाँ जमा होता, यहाँ पर जमा होता, तो जब यहाँ पर ये सारे पदार्थ जमा होते तो फिर एक तरह से आप कह सकते हैं कि डेल्टा का निर्माण हो पाता। अब देखिए फिर अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन ये है कि जो समुद्र की लहरें हैं उनका वेग भी कम होना चाहिए, यानी कि अब मान लीजिए ये जो हमारा समुद्र वाला पार्ट है इसमें जो लहरें चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, तो ये लहरें क्या करेंगी, यहाँ पे जो पदार्थ, ये देखिए यहाँ पे जो पदार्थ इकट्ठा हुआ है आके, उनको ये लहरें काट देंगी, यानी कि एक तरह से अपर्दित कर देंगी और अपने साथ बहा के लिए जाएंगी, तो ऐसे में क्या होगा, फिर से डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे जो निक्षेप है वो हो नहीं पाया। और डेल्टा के निर्माण के लिए, डेल्टा के फॉर्मेशन के लिए ये ज़रूरी है कि जो कंकड़ पत्थर वगैरह आ रहा है वो सागर की तली में जमा हो, और सागर की लहरें तेज़ हैं तो वो इस पूरे जो निक्षेप है, जो ये कंकड़ पत्थर है, इनको काट के अपने साथ ले जा रही हैं, तो डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही देखिए हम लोग जानते हैं कि समुद्र में ज्वार भाटा आया करता है, यानी कि हम लोग जानते हैं समुद्र में ज्वार आता है और भाटा आता है, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर समुद्र का ये वो तट है जहाँ पे मान लीजिए जिस तट पे ये नदी मिलती है, इस तट पे जो ज्वार भाटा है इसकी लहरें बहुत तेज़ रहती हैं, तो भी वही सेम प्रक्रिया होगी कि ये जो लहरें हैं अपने साथ इस सारे पदार्थ को बहा के ले जाएंगी। अब देखिए समझ लेते हैं थोड़ा सा कि डेल्टा के प्रकार क्या होते हैं। तो पहला हो गया आर्कुएट डेल्टा, जिसे हिंदी में कहेंगे चापाकार डेल्टा। तो चापाकार डेल्टा देखिए किस तरह से बनेगा, तो हम लोग जानते हैं चाप कैसा दिखता है, इस तरह से दिखता है थोड़ा सा, या फिर कह लीजिए इस तरह से ये चाप होता है, तो इस तरह का जो डेल्टा होगा। अब ये बनेगा कैसे, देखिए ये मान लीजिए हमारी रिवर फ्लो कर रही है और इसके आगे समुद्र मान लेते हैं कि यहाँ पर ये समुद्र है, इसके आगे समुद्र का पानी है पूरा, और देखिए रिवर में किस तरह के पदार्थ हैं, इसकी एक ये कंडीशन है जिसे आपको याद रखना होगा। रिवर में पदार्थ हैं जैसे कि बजरी है, रेत है, सिल्ट है, इस तरह के पदार्थ हैं, तो बजरी, रेत, सिल्ट ये सब रिवर के साथ बहते हुए आ रहे हैं और रिवर का वेग कम हो चुका है। अब देखिए क्या होगा, जब ये समुद्र के किनारे पर पहुँचेंगे तो ये यहाँ पर कुछ जमा होने लगेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर मान लीजिए, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, तो इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे कुछ पदार्थ जमा होने लगा। अब देखिए क्या होगा कि जैसे जैसे रिवर जो है समुद्र के अंदर बढ़ेगी, वैसे वैसे जो एक तरह से निक्षेप, इसे कहते हैं जो ये पदार्थ समुद्र की तली में जमा हो रहा है, इसे हम लोग निक्षेप कहते हैं, तो निक्षेप की मात्रा बढ़ती जाएगी, यानी कि जो पदार्थ जमा हो रहा है इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि रिवर का वेग कम हो रहा है, तो जैसे जैसे रिवर का वेग कम होगा इसके साथ जो पदार्थ आया वो नीचे तली में बैठने लगेगा, तो इस तरह से धीरे धीरे पदार्थ नीचे तली में बैठने लगेगा। अच्छा देखिए यहाँ पे एक ख़ास बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये जो बजरी है, रेत है, सिल्ट है, जो रिवर अपने साथ बहा के ला रही है, इसका निक्षेप ज़्यादा कहाँ पे होता है, नदी के बीच के भाग में, यानी कि देखिए ये और ये जो किनारे हैं यहाँ पे इन चीज़ों का निक्षेप कम होगा क्योंकि ये भारी हैं, और जो नदी का बीच का भाग है यहाँ पे निक्षेप ज़्यादा होगा, तो यानी कि बीच के भाग में इस तरह से निक्षेप ज़्यादा होगा और किनारे पे जो निक्षेप है वो कम होगा। और इस तरह से देखिए जब धीरे धीरे निक्षेप होता रहेगा तो हमको जिस तरह का डेल्टा दिखाई देगा उसे हम लोग कह सकते हैं कि ये चापाकार डेल्टा बनेगा या फिर आर्कुएट डेल्टा बनेगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, देखिए रिवर अपने साथ किस तरह के पदार्थ ला रही है, जैसे कि बजरी, रेत, सिल्ट, इस तरह के पदार्थ ला रही है और इन पदार्थों को अपने साथ बहा के लाती है, और इन पदार्थों का निक्षेप ज़्यादा कहाँ होगा, बीच में होगा क्योंकि ये थोड़े से भारी हैं, और जब इन पदार्थों का निक्षेप होना शुरू होता है तो समुद्र के बीचों बीच में ज़्यादा निक्षेप होता है, और जो रिवर के किनारे हैं, यानी कि कह लीजिए रिवर के बीचों बीच में ज़्यादा निक्षेप होता है और जो रिवर के किनारे हैं वहाँ पे कम निक्षेप होता है, तो इस तरह से धीरे धीरे इन पदार्थों का जमाव होने लगता है, निक्षेप होने लगता है और हमें चापाकार डेल्टा मिल जाता है या दिखाई देता है। अच्छा ये जो चापाकार डेल्टा ज़्यादा बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे अर्ध शुष्क जलवायु होगी वहाँ पे, यानी कि थोड़ी सी जहाँ पे शुष्क टाइप की जलवायु होगी, अर्ध शुष्क जलवायु जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे चापाकार डेल्टा ज़्यादा बनेगा। दूसरा देखिए जो टाइप है वो है बर्ड फुट डेल्टा या फिर कह लीजिए पंजाकार डेल्टा। तो पंजाकार डेल्टा देखिए कैसे बनेगा, अब ये ठीक जो चापाकार डेल्टा है उसके अगेंस्ट में कह लीजिए कंडीशन है, उस ठीक उसकी उल्टी कंडीशन है। तो क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए हमारी रिवर फ्लो हो रही है और आगे ये हमारा मान लीजिए समुद्र है। अब देखिए रिवर में किस तरह के पदार्थ हैं, यहाँ पे ठीक उल्टा है, यहाँ पे रिवर में बहुत ही हल्के पदार्थ हैं जो कि रिवर के पानी के साथ घुल चुके हैं, यानी कि ऐसे कण हैं
जो कि रिवर का जो वाटर है उसके साथ घुल गए हैं। साथ ही क्या है, चूने वगैरह हैं, चूना वगैरह है, यानी कि चूना जो है ज़्यादा मात्रा में है। तो ये सब पदार्थ देखिए कहाँ पे जमा होगा, रिवर के साइड में जमा होगा, यानी कि जो रिवर के किनारे होते हैं वहाँ पे ज़्यादा जमा होगा। और इसके साथ ही देखिए क्या है, रिवर की वेलोसिटी भी थोड़ी ज़्यादा, यानी कि ये समुद्र में थोड़ी दूर तक जाएगी, रिवर बहती हुई समुद्र में इस तरह से थोड़ी दूर तक निकल जाएगी। और इसके किनारों पर इस तरह से आप देखिए जो हमारा ये पदार्थ है जिसमें हमने कहा चूना वगैरह है और बाकी ऐसे कण है जो कि पानी में घुले हुए हैं, ये सब जमा होते जाएंगे। तो इस तरह से ये रिवर के साथ आगे जाएंगे और जमा होते जाएंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है, इस तरह से ये डेल्टा जैसे कि बना हमारा, रिवर फ्लो होती हुई जा रही है, उसके बाद क्या होगा, रिवर जो है कुछ पार्ट्स में विभाजित हो जाएगी, इस तरह से कुछ पार्ट्स हो जाएंगे रिवर के। तो ये मान लीजिए कुछ इस तरह के पार्ट्स हो गए। और देखिए ये जो रिवर के पार्ट्स हो गए, यानी कि जो रिवर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो ये जो रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं या फिर जिसे हिंदी में कहते हैं जल वितरिकाएं हैं, इनका भी जो वाटर है इसी तरह से फ्लो होगा, यानी कि इसके भी कुछ पार्ट हो जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये जो रिवर कह लीजिए पहले कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई, मान चलिए ऐसे समझ लेते हैं, ये जैसे रिवर है मान लीजिए तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुई, 1, 2, 3, तो जो 1, 2, 3 पार्ट हैं इनके भी सब पार्ट हो जाएंगे, यानी कि ये भी डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से हो जाएंगे डेल्टा में। तो इसी को हम लोग कहते हैं इस तरह से जो डेल्टा बनेगा। अब ये जो पार्ट है देखिए इनके साथ भी कुछ कण होंगे, वही जो हल्के कण हैं जो कि पानी में घुले हुए हैं, चूने की वगैरह के कण हैं, तो वो सब इनके साथ भी होंगे, वो सब भी यहाँ पे भी जमा हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भी डेल्टा बन जाएगा और इस तरह से जो एक कंप्लीट डेल्टा हमें दिखाई देगा उसको हम लोग कहेंगे पंजा डेल्टा या फिर पंजाकार डेल्टा, इंग्लिश में कहेंगे बर्ड फुट डेल्टा। क्योंकि आप देख भी सकते हैं ये थोड़ा सा जैसे चिड़िया वगैरह के पैर होते हैं उस तरह का दिखाई दे रहा है। अब देखिए फिर अगला है एस्चुरिन डेल्टा या फिर कह लीजिए ज्वार नद मुखी डेल्टा, हिंदी में हो गया ज्वार नद मुख और इंग्लिश में हो गया एस्चुरिन। तो देखिए ये किस तरह का डेल्टा होता है, और देखिए ये लास्ट है हमारा, इसके बाद जो डेल्टा के और भी प्रकार होते हैं लेकिन जो तीन इंपॉर्टेंट थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो देखिए ये किस तरह से बनता है, मान लीजिए ये हमारी रिवर है, तो रिवर का जहाँ पे मुहाना होता है यहाँ पे एक एस्चुरी बन जाती है, जहाँ पे कह लीजिए एक तरफ से रिवर का पानी आता है और दूसरी तरफ से जो समुद्र है उसका पानी फ्लो होके आता है, यानी कि इधर से समुद्र का पानी आ रहा है, चलिए कलर बदल देता हूँ, ये इधर से समुद्र का पानी बह के आ रहा है और इस तरफ से जो रिवर का वाटर है वो फ्लो होके आ रहा है। तो अब देखिए रिवर जो है अपने साथ कुछ कंकड़ पत्थर लाएगी, निक्षेप लाएगी, इस सबको ये कहाँ पर जमा करेगी, इस एस्चुरी में जमा करेगी, यानी कि यहाँ पे जमा करेगी। और समुद्र का पानी क्या करता है, ये सारा जो निक्षेप हो रहा है, यानी कि ये जो हम लोगों ने पिंक कलर से किया ये सारा जो निक्षेप हो रहा है इसको ये समुद्र का जो पानी होता है अपने साथ बहा के ले जाता है। तो धीरे धीरे देखिए रिवर क्या करती है, अपनी एस्चुरी को भरती जाती है, और जब ये रिवर की जो एस्चुरी है वो भर जाएगी और इसमें कुछ कुछ समुद्र का पानी भी आता रहता है, और ये फिर देखिए एक टाइम आएगा जब एस्चुरी भर जाएगी, तो इस तरह से जो डेल्टा बनेगा यानी कि इस एस्चुरी के भर जाने से जो डेल्टा बनेगा उसे हम लोग कहेंगे ज्वार नद मुखी डेल्टा या एस्चुराइन डेल्टा। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए ये हमारी एक रिवर हो गई, यहाँ पे समुद्र हो गया, तो रिवर अपने साथ कुछ कंकड़ पत्थर वगैरह ला रही है, और ये मान लीजिए रिवर की एस्चुरी है यहाँ पे, यानी कि ये वो भाग है कह लीजिए जो कुछ चौड़ा है, और यहाँ पे रिवर जो है अपने साथ जो निक्षेप लाती है उसे जमा करती है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये कुछ निक्षेप रिवर ने जमा किया हुआ है, और समुद्र क्या करेगा, समुद्र का पानी जो है इस निक्षेप को अपने साथ बहा के ले जाएगा। पर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो एस्चुरी है ये भर जाएगी, धीरे धीरे ये जो एस्चुरी है ये निक्षेप से भर जाएगी और इस तरह से एक डेल्टा का निर्माण होगा जिसे हम लोग कहेंगे ज्वार नद मुखी डेल्टा या एस्चुराइन डेल्टा।